हेलो दोस्तों, मैं हूं नाजिम खान और आप देख रहे हैं चैनल टैग्रो प्लस। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर का सवाल है कि टैली के अंदर जब हम इनवॉइस प्रिंट करते हैं, सेल्स इनवॉइस, तो उसके अंदर बैंक की डिटेल नहीं आ रही है, उसको प्रिंट करने के लिए हमें क्या ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं। टैली का जो लेटेस्ट वर्जन आया है रिलीज 6, उसके अंदर तो ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन टैली 1.1 में नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एक TDL फाइल, वो आपको अपलोड करनी है टैली ERP 9 के रिलीज 1.1 में, और आपकी बैंक डिटेल आपके सेल्स इनवॉइस में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो में बताते हैं आपको ये कैसे करना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर दबाएं, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले आपके लिए और अच्छी अच्छी और काम की वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टैली के रिलीज 6 के अंदर कैसे इसको किया जाएगा। सबसे पहले मैं एक बैंक अकाउंट बना लेता हूँ, अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट, और यहाँ कोई सा भी बैंक ले लेते हैं। बैंक अकाउंट, और यहां पर हमें बैंक के अकाउंट डिटेल डालनी है। तो अकाउंट नंबर, फॉर एग्जांपल दिस, IFSC कोड जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं। बैंक की ब्रांच जो आपकी होगी, ब्रांच वो डाल दीजिए, मैंने फॉर एग्जांपल ऐसी ले लिया, और बाकी मैं इसको सबको सेव कर देता हूं। अब हम यहां चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे, और हम सेल्स की एंट्री कर लेते हैं। बिल नंबर जो भी है 001, पार्टी का नेम मैं डाल देता हूँ RG सेल्स कॉर्पोरेशन, ये डिटेल मैं फिल नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। सेल्स मैंने बना दिया है एक नॉर्मल सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे आइटम ले लेते हैं, लैपटॉप 10 pieces 1000 के हिसाब से, और मैं यहाँ पर कुछ नहीं डाल रहा हूँ, ये एग्जांपल के लिए आपको समझाना है बस। अब हम यहाँ करते हैं Alt+P। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट बैंक डिटेल के नाम से एक ऑप्शन है, इसको हम जाकर यस कर देंगे। अब यहाँ पर ये हमसे पूछता है कौन से बैंक की डिटेल इसको प्रिंट करनी है, तो मैं दे देता हूँ उसको पंजाब नेशनल बैंक की डिटेल, और मैं इसको सेव कर देता हूँ Ctrl+A, और यस, इसको मैं जूम करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की साइड में हमारे बैंक का नाम आ गया है, अकाउंट नंबर, ब्रांच का नेम, और IFS कोड ये लास्ट में आ गया है। तो इस तरह से आप टैली ERP 9 के रिलीज 6 में सेल्स इनवॉइस में बैंक की डिटेल को डाल सकते हैं। तो टैली ERP 9 के रिलीज 1.1 में बैंक डिटेल लाने के लिए आपको चाहिए ये वाली TDL फाइल, बैंक डिटेल के नाम से है, और इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। आपको अपने बैंक का नाम यहाँ पर डालना है, यहाँ पे आपके अकाउंट नंबर आएगा, और यहाँ पर आपका IFSC कोड आएगा। तो सपोज मेरा बैंक नेम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और अकाउंट नंबर ये यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं, फिलहाल मैं ये रख लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, और IFSC कोड जो भी आपका है वो यहाँ डाल सकते हैं, इसको चेंज कर लीजिए आप। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको बंद कर देते हैं। अब मुझे इसका एड्रेस कॉपी करना है, इसको यहाँ पर पेस्ट करना है, और इस पूरे को कॉपी करना है, और मुझे जाना है टैली ERP 9 के रिलीज 1.1 में। F12 में जाएंगे, TDL कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, और लोकल TDS पे क्लिक करेंगे, इसको हम यस कर देंगे, और यहाँ पर वो एड्रेस पेस्ट कर देंगे Ctrl+Alt+V बटन दबाकर, और इसको सेव कर देते हैं। फाइल लोड हो चुकी है। अब मैं सेल्स की एंट्री आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ इनवॉइस नंबर जो भी आप देना चाहें, पार्टी का नाम मैं जॉन दे देता हूँ, और सेल, और यहाँ आइटम, अब मैं यहां पर करता हूं Alt+P और एंटर, इसको जूम करते हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं आपकी बैंक डिटेल ये आ चुकी है, बैंक का नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड यहां पर शो हो चुका है। तो ये तरीका है टैली ERP 9 के रिलीज 1.1 में बैंक डिटेल लाने का इनवॉइस के वाउचर में। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर दबाएं, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाने की कोशिश करूं, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास नए नए अपडेट्स आते रहें।